ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स, यानी जब कॉनकेव या कॉनवेक्स मिरर के केस में कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव करे तो इमेज किस स्पीड से मूव करेगी करेगी या करेगा, इमेज का जेंडर तो हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझाएंगे, धीमे धीमे आप स्टेप फॉलो करते जाना। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाने को तैयार हो जाओ। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए शुरू करते हैं ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। उससे पहले वेबसाइट का प्रमोशन, जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakhpandey.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी वहां पे पड़े हुए हैं, साथ में असाइनमेंट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे बोर्ड आईआईटी और नीट। नीचे मैंने कमेंट में उसका लिंक दे दिया है। तो हो गया वेबसाइट का प्रमोशन। अब आप हेडिंग डालते हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, ऐसा टॉपिक हमने प्लेन मिरर में भी पढ़ा था, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, वो बड़ा आसान था। आप चाहो तो वो लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पे टाइप करो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर्स फिजिक्स वाला, मिल जाएगा। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से, बहुत छोटा सा था। प्लेन मिरर शॉर्ट में बताते हैं, प्लेन मिरर में दो ही केस बने थे। पहला केस, ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है। तो यहां पे मिरर, ये ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे चल रहा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां मान लो इमेज, वो भी चलने लगेगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, यहां मान लो मिरर भी चलने लगा वेलोसिटी ऑफ मिरर, सब चल रहे हैं। इस टाइम जो फॉर्मूला बना था वो बना था Vm is equals to Va plus Vi divided by 2। सबके ऊपर वेक्टर साइन लगा लो और यहाँ पे साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान देना, मतलब एक तरफ पॉजिटिव मान लेना एक तरफ नेगेटिव, जैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये अपने आप नेगेटिव, ठीक है। और इससे इसके सारे सवाल हल हो जाएंगे। दूसरा केस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर, ये तो बहुत ही हलवा है छिछी। क्या है, यहाँ पे मिरर ले लो ऐसे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा पैरेलल टू मिरर और इमेज भी ऐसे चल रही पैरेलल टू मिरर और मान लो मिरर भी चल दिया ऐसे, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ मिरर से कोई लेना देना नहीं होता था, सीधा आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो बड़ी सफाई से काम हो गया था, बड़ी आसानी से। उसका एक रीजन था इतना आसानी से इसके होने का, रीजन ये था कि प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी अंदर इमेज बनती है ना, ये तो सब जानते हैं। बाहर आप सब्जी वाले पूछो कोई बता देगा भैया 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट तो अंदर 5 सेंटीमीटर पे इमेज। तो यहाँ सिंपल केस था, मतलब कुछ इसमें वेरिएशन नहीं था। अभी हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, वहां देखा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनी, ऑब्जेक्ट एट सी रखा इमेज एट सी बनी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ इमेज बियॉन्ड सी। अरे बाप रे बाप, बड़े केस थे और इसीलिए मिरर्स फॉर्मूला भी आया। तो मिरर्स में केसेस बहुत बनेंगे, ठीक है, देखने में टफ लगेगा पर हम आपको अप्रोच ऐसे स्टेप वाइज सिखाएंगे ना, आप धुआं धुआं कर दोगे सवाल को, धुआं धुआं, बस कॉन्सेप्ट पकड़ते चलना। इसको नोट करना, नोट कर लो, फिर मिरर की बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर की छाप लिया ये हलवा सी चीज, परपेंडिकुलर है तो ये फॉर्मूला लगा दो, पैरेलल है तो ये खत्म। साइन का ध्यान रखना, इस तरफ को पॉजिटिव माना तो ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ये दोनों पॉजिटिव। चलो अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर में हम चार केसेस आपको कराएंगे, सिर्फ कहने की बात है केस, वैसे तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपको चार केसेस कराएंगे। पहला केस होगा, जैसे मान लो एक स्फेरिकल मिरर ले लिया, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी ले लो, पहला केस हम कराएंगे जब ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यहां पे मान लो पोल है, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा केस हम आपको कराएंगे, अरे दोनों मिरर की लग जाएगा अभी बना एक ही रहे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहा है, एक केस ये हो गया एक केस ये, इन दोनों को कंबाइन कर लो तो तीसरा केस क्या बन जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे ऑब्जेक्ट चल रहा हो, ये तीन केस। चौथा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, छिछी
when object moves parallel to principal axis. देखो इन दोनों में difference है, इसमें principal axis पे ही चल रहा है along, इसमें parallel चल रहा है. केस याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने का तरीका है, नोट्स ऐसे ही बनाए जाते तो ऐसे ही बना रहे, बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, फिर धुआं धुआं करना है सवाल को. तो सबसे पहले ये केस लेते हैं, फिर ये लेते हैं, फिर ये, फिर ये. सबसे पहले हम मूव कराएंगे अलोंग, फिर परपेंडिकुलर, फिर सम एंगल थीटा पे, इसके बाद थोड़ा ऊपर उठा के पैरेलल. नोट कर लो, ठीक है. हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझाएंगे, मस्त एकदम, टेंशन मत लो. जितना आज बताएंगे उसके बाद से सवाल आपको मिलेगा नहीं. ये वाला केस सब पढ़ते हैं, हम सारे पढ़ेंगे. शुरू करें. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलख पांडे. चलिए शुरू करते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं. ये हेडिंग बता दें, जरा देख रही है. यस, तो चलिए शुरू करते हैं. सवाल नंबर एक से चार पांच सवाल में पूरा टॉपिक कंप्लीट एकदम बढ़िया से. सवाल नंबर एक, यहां पे कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर. हमसे बोला यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है इससे 40 सेंटीमीटर दूरी पे, और ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल पड़ा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से. सवाल यही रहेगा आज पूरे लेक्चर में, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, इसको साइड में ले लेते हैं, सवाल आज चेंज ही नहीं होगा पूरे लेक्चर में. यहां पे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, यही तो करना है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, आ जाओ भाई सवाल नोट कर लो. चलो अब दिमाग लगाते हैं. मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा, क्या यहां पे यू की वैल्यू चेंज होगी? सोचना पड़ेगा हर सवाल में. चेंज होगी डेफिनेटली, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट पास जाएगा, यू कम होता जाएगा. अरे भैया यही तो यू होता है ना, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाएगा यू चेंज होगा. अच्छा बच्चों, अगर यू चेंज हो रहा विथ टाइम, टाइम के साथ यू बदलता जाएगा, ऑब्जेक्ट पास जाएगा यू कम होता जाएगा. अगर यू चेंज हो रहा है तो मेरे ख्याल से वी भी चेंज होगा, इमेज डिस्टेंस. बाई मिरर्स फॉर्मूला अगर हम लगाएं, 1/f = 1/v + 1/u. भाई यहां पे अगर यू चेंज करोगे तो वी भी चेंज होगा, एफ तो कॉन्स्टेंट रहेगी फोकल लेंथ. अच्छा एक काम करते हैं, क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, f की पावर माइनस वन इज इक्वल टू v की पावर माइनस वन प्लस u की पावर माइनस वन. कोई दिक्कत, इसको ऊपर ले आए पावर माइनस वन, ठीक है. इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अच्छा x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको पता है, dx की पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर करेंगे तो क्या होगा, n x की पावर n माइनस वन, साथ में dx by dt भी चला आएगा. अरे x के रिस्पेक्ट में नहीं किया ना, हाय 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 हाय, पढ़ के आए हो. देखो x के रिस्पेक्ट में करते तो सिर्फ इतना आता n x की पावर n माइनस वन, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो n x की पावर n माइनस वन, उसके बाद dx by dt. तो इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये पावर बाहर आ जाएगी, यहाँ तो ये कॉन्स्टेंट है, इसको क्या ये तो जीरो. कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, फोकल लेंथ क्या रहेगी भाई, अरे ऑब्जेक्ट के चलने से फोकल लेंथ थोड़ी ना बदलेगी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो. अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये v की पावर माइनस वन, तो पावर बाहर आ गई, फिर v की पावर क्या हो जाएगा n माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, साथ में क्या लिखोगे dv by dt. बोलो समझ में आया, माइनस वन बाहर लिया, फिर v की पावर माइनस वन माइनस वन एन माइनस वन, फिर dx by dt की जगह dv by dt. उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस वन बाहर आएगा, यू की पावर माइनस टू डी यू बाई डी टी. बोलो ठीक है. इस पूरे टर्म को इस तरफ ले आओ तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, वी की पावर माइनस टू का मतलब वन बाई वी स्क्वायर, तो इसको इस तरफ ले आए तो हम लिख सकते हैं वन बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी. बोलो यहां तक सबको समझ में आया, नीचे लिखते हैं और साफ. अरे भाई इसको इस तरफ लाओगे ये माइनस से प्लस हो जाएगा, v की पावर माइनस टू इस तरफ आएगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन v स्क्वायर. सो 1 बाय v, अच्छी अच्छी फिर मैंने 1 बाय v स्क्वायर
डीवी, अरे लोड मतलब बहुत आसान है, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर तो माइनस रहेगा, माइनस वन बाई यू स्क्वेर डी यू बाई डी टी। चलो ठीक है, वट इज डीवी बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस। वी क्या होता था? इमेज डिस्टेंस। ये टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा, मतलब यही तो इमेज की वेलोसिटी हुई कि इमेज का डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा। वट इज डी यू बाई डी टी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कैसे टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। चलो क्या आगे लिखते हैं, इसको हम लोग बढ़ाते हैं। सो हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, बताओ यहां से ये इधर जाएगा वी स्क्वायर, मैं इधर आ जाता हूं तो बोर्ड दिखे, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। बोलो बोल सकते हैं माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। अब मैंने कहा डी वी बाई डी टी क्या है? इमेज की वेलोसिटी। कैसे? इमेज डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और डी यू बाई डी टी क्या है? कैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लो बन गया फॉर्मूला, खेल खत्म, बन गया फॉर्मूला। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये वेलोसिटीज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग। अगर इस एक्सिस को हम आज एक्स एक्सिस बोल लें, क्योंकि इसके बाद हमको परपेंडिकुलर में जाना है, उसको हम वाई बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं ये सारी वेलोसिटीज जो आई हैं ये एक्स डायरेक्शन में है। बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। अभी आंसर निकालेंगे और फील आएगा वैल्यूज के साथ, फिर डायग्राम में दिखाएंगे क्या हो रहा। अभी मैंने इतना कहा ऑब्जेक्ट यहां पे था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा वैसे वैसे वी चेंज होगा। जो ऑब्जेक्ट के मूव करने का रेट है डी यू बाई डी टी, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। जो इमेज के मूव करने का रेट है वो इमेज की वेलोसिटी। चलो भाई यहां तक समझ में आया। अच्छा ये सारी वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट? आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले कहां से रहे हो, आप इमेज डिस्टेंस ले कहां से रहे हो? आप सारे डिस्टेंसेस मिरर से लेते हो, पोल से लेते हो, यानी ये वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में आई हैं? मिरर के रिस्पेक्ट में। यानी दीज वेलोसिटीज आर अलोंग एक्स एक्सिस, पहली बात, और दूसरी चीज ये किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये भी विद रिस्पेक्ट टू पोल बोलो या मिरर बोलो, मिरर, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बोलो फील हुई इतनी बात? भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से लेते हो? मिरर से। इमेज डिस्टेंस मिरर से। तो जब विद रिस्पेक्ट टू मिरर डिस्टेंस ले रखा है तो वेलोसिटी भी तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ रही है। अच्छा यहां तो मिरर रुका हुआ है, मान लो मिरर भी चल दे, मान लो मिरर भी चल दे, यानी ये जो वेलोसिटीज है ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये भी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, वी ए बी, याद करो वो पुराने दिन 11th के, वी ए नहीं, वो नहीं, जब मस्ती कर रहे थे, जब पढ़ाई की थी, ये तो सबने पढ़ रखा होगा यार, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो इस तरह से यहाँ पे वी आई एम को हम लिख सकते हैं वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और वी ओ एम क्या हो जाएगा? वी ओ माइनस। अब ये तब यूज करना जब मिरर भी मूव कर रहा हो, जब मिरर मूव नहीं करेगा तो वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो, ये भी जीरो, फॉर्मूला यही बन जाएगा। भाई अच्छा सवाल आएगा, मिरर को भी मूव करा देगा। तो ये जो वेलोसिटीज हैं किसके रिस्पेक्ट में हैं? मिरर के रिस्पेक्ट में। हमने बोला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये जो वी यू मेजर करके बैठे हो, ये जो डी यू बाई डी टी, ये यू है क्या? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, सारी कहानी मिरर से रिलेटेड है, तो वेलोसिटी भी मिरर के रिस्पेक्ट में। अब वी ए भी क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। ये फॉर्मूला अपना बन के आया, इसको नोट करेंगे और याद रखेंगे ये वेलोसिटीज किसके अलोंग है? अलोंग एक्स एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस लिखना चाहो तो प्रिंसिपल एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ इमेज भी किसके अलोंग होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। नोट करो इतना, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे, धुआं कर देंगे सवाल को। समझ में आ रहा है? मैंने कहा इसको f की पावर माइनस 1 v की पावर माइनस u की पावर माइनस 1, फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाहर आया, v की पावर माइनस 1 माइनस 1, फिर dv बाई dt।
यू की बार माइनस वन माइनस वन बारह की बार माइनस वन माइनस वन डी यू बाई डी टी। फिर इसको इधर लगा इधर लगा, फिर हमने बोला ये इमेज की स्पीड ये ऑफ डी यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर। चलिए सवाल किया जाए, मिटा रहे हैं इसको, हम मिटा रहे हैं। चल अब आप चूहा खाते रहोगे तो भाई हम तो मिटा देंगे, तो थोड़ा तेज चलो। हाँ अब इस सवाल करते हैं। तो अदिति हंस दे तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा थोड़ा। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसके लिए हमको वेलोसिटी ऑफ मिरर चाहिए जो कि जीरो है, हमें वी चाहिए इमेज डिस्टेंस जो कि नहीं दिया। आओ पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को आप देखो तो यहाँ पे एक आपको कॉनकेव मिरर दिख रहा होगा, सभी लोगों को कॉनकेव मिरर दिख रहा है। अब हम सवाल क्या है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ सबको पता है नेगेटिव होती है, क्योंकि ये कॉनकेव है। बात खत्म, आज हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, पिछले कई लेक्चर से बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट पोल से पीछे की तरफ तो माइनस कितना, माइनस 40 सेंटीमीटर। अरे भाई ऑब्जेक्ट से रेज जो जाएगी वैसे जाएगी, जब इमेज बनाना चाहोगे ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे जाएगी, तो पोल से पीछे की तरफ है। ये सब आपको आ गया होगा, आपने मिरर फॉर्मूला का सवाल वाला लगा रखे हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब आपको चाहिए इमेज डिस्टेंस भी, देखो ना वी यू सब चाहिए। इमेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जो अच्छा बच्चा है वो फॉर्मूला लगाएगा 1 / f = 1 / b + 1 / u, यहां पे u की वैल्यू यहां पे f की वैल्यू। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम क्या लगाओगे, v = uf / u - f। यहीं से v को सब्जेक्ट बना लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसी में v को सब्जेक्ट बना लो, uf / u - f। तो u की वैल्यू बोलो -40, vf की वैल्यू -20, नीचे u - f -40 माइनस एफ कितना है माइनस बीस, तो हो जाएगा प्लस, बोलो समझे, माइनस माइनस प्लस। तो v की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस 4 × 8 डबल जीरो डिवाइडेड बाई माइनस 40 प्लस 20 माइनस 20, बोलो सही है, जीरो से जीरो मरेगा और माइनस 40 सेंटीमीटर। ओए होए 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 होए, इमेज भी यही बन रही है, देखो ऑब्जेक्ट 40 पे माइनस 40 पे, इमेज भी माइनस 40। अरे ध्यान से देखो तो ये ऑब्जेक्ट एट सी का केस है, इमेज भी एट सी बनेगी, फोकल लेंथ 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पे आएगा, इसके डबल पे, तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं में। चलो ठीक है, इससे क्या लेना देना, फॉर्मूले ने भी बता दिया। अब आओ, अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। चलो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, जो एक जनरल ट्रेंड है ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हमें नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो, माइनस वी की वैल्यू बोलो 40 का स्क्वायर, यू की वैल्यू बोलो 40 का स्क्वायर। अरे यार माइनस रखें प्लस रखें, स्क्वायर में सब पॉजिटिव हो जाते हैं, माइनस 40 40 है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 2, किस तरफ, पॉजिटिव में, तो प्लस 2, वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो। यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज का आंसर आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सवाल खत्म। अगर इसका फील लो तो फील ये है कि ये रहा मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट कितनी दूर 40 सेंटीमीटर पे, और ये चला ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, यहीं पे बन रही है इमेज। देखो इमेज का डिस्टेंस भी 40, यहीं पे बन रही इमेज और इमेज चली इस तरफ कितनी स्पीड से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में सिखाया था कि ऑब्जेक्ट धीमे धीमे ऐसे जाएगा, इमेज धीमे धीमे ऐसे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाता है वैसे वैसे इमेज इधर। देखो इमेज नेगेटिव डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर केस था, अलग अलग सवाल में अलग अलग। अगला सवाल खुद से करेंगे आप, तैयार हैं? अरे मैं बहुत दूर निकल गया बोर्ड से, तैयार हैं? अदिति हंस दे तू जरा, नोट कर लिया, अदिति इज माई सिस्टर, नो माई रियल सिस्टर, उस टाइप वाली नहीं जो मजबूरी में बन जाते हो तुम लोग स्कूल में। नोट कर लिया, मिटा रहे, चल हंस दे तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल,
अरे यार ये क्यों मिटा दिया, ये तो लिखा रहना चाहिए था ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। आओ सवाल नंबर दो, सवाल नंबर दो आप खुद से करेंगे। यहाँ पे मैंने एक मिरर लिया है, तुम ही जानो कौन से टाइप का मिरर है। कॉन्वेक्स है सर। कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसकी, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर फिर से, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से 20 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट चला इस बार पीछे की तरफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और मिरर को भी चला दिया इस बार आगे की तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। सवाल वही है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये वाला सब लोग खुद से करके दिखाएंगे। ऑप्शन दे दे, चलो ऑप्शन देते हैं ए बी, ए बी, अरे कर दिया होगा अब तक, क्या ऑप्शन दे रहे हैं सर, इतना ही घटिया सवाल है। चलो ऑप्शन है 5.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन है 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन है 8.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जल्दी से पॉज करके इसको धुआं धुआं कर दो बच्चों, उड़ा दिया सबने सवाल को पॉज करके। हाँ हो गया। चलो तो भाई यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा, अरे पैरेलली है, इस तरफ पैरेलल है, अलोंग द एक्सिस ही है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो फॉर्मूला तो वही यूज करोगे क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही यूज होगा। अच्छा इसमें हमको वी यू चाहिए, निकालना पड़ेगा। आ जाओ तो इस मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ होगी प्लस 20 सेंटीमीटर क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, बात खत्म। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो तो ऑब्जेक्ट से रेज रेज ऐसे जाएंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप पीछे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो यू हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। यहां से आपको वी निकालना है तो 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय ई, 1 बाय यू नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, वी इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू कितना है माइनस 20, एफ कितना है प्लस 20 अपॉन यू माइनस एफ, माइनस 20 माइनस 20 तो ये हो जाएगा, बोलो जल्दी, माइनस 20 प्लस 20 माइनस 400, माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40, माइनस माइनस मर गया 0 0 मर गया, 4 10 जा 40 प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर। इमेज कहीं इस तरफ बन रही है, पोल से पॉजिटिव डायरेक्शन। खैर आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको नहीं पता, यही निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ मिरर बोलो प्लस ले कि माइनस, इस डायरेक्शन को क्या मान लेंगे हम, पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, तो मिरर की वेलोसिटी पॉजिटिव। तो 4 इज इक्वल्स टू माइनस v, इमेज डिस्टेंस कितना है 10 का स्क्वायर, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है माइनस 20 का स्क्वायर, यार माइनस लो या प्लस लो स्क्वायर हो के सब बराबर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 6 प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, माइनस क्योंकि इधर जा रही पीछे, तो माइनस 6 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कैसी है प्लस, तो 4 बोल सही। यहां पे गलती तो नहीं की, ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना ना हमने, तो इसकी स्पीड नेगेटिव इसकी स्पीड पॉजिटिव, बस यही फॉर्मूला ही है, अलोंग द एक्सिस निकालने का यही फॉर्मूला है, खेल खत्म हो चुका है, कुछ है नहीं इसमें। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 100 और नीचे आ जाएगा 400, माइनस 6 माइनस 4 हो गया माइनस 10, माइनस से माइनस मर गया 0 से 0 मर गया 10 बटे 4, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10 बटे 4 को आप लिख सकते हो 5 बटे 2 है भाई, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 बटे 2 प्लस 4, 4 दुनी 8, 8 5 13, 8 5 13, 4 2 जा 8, 8 5 13 बटे 2, यानी 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे आंसर। अब इसका फील लेना है तो फील भी ले लो, इमेज कहां पे बन रही है प्लस 10 सेंटीमीटर पे, यानी पीछे नहीं बन रही इमेज, आगे बन रही, यहां बनी इमेज, और इमेज चल किधर रही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रही है, मतलब चल भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, यहां केस अलग हो जाता है, यहां ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाओगे इमेज इधर भागेगी, नोट करो। अब इसे कराने को हम सवाल पे सवाल कराते जाए, आपको मजा आता जाए, है ना, फिर ये तो वैसा ही हो गया चूहा खाने जैसा कुछ, तो अब ये नहीं करेंगे, अब हम लेंगे एक नया सवाल, उसमें आएगा नया कंसेप्ट। तुमको
सिर्फ तुमको छाप लिया हमने चाहत की कसम। तेज तो नहीं पढ़ा रहे आज हम, पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा। तुम बिन अगर जीना पड़ा हमको मर जाएंगे हम। दिल है तुम्हारा सांसें तुम्हारी। सर आप कैसे गा रहे हो? आओ अच्छा सवाल नंबर तीन, फिजिक्स पढ़ाते हैं हम। आओ सवाल नंबर तीन, और सवाल नंबर तीन में आ रहा है नया केस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, केस टू। आप चाहो तो केस बना के लिख सकते हो, अभी तक केस वन चल रहा था, चाहो तो लिख लो वहां पे केस वन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, खत्म हो गया। अब आया केस टू, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल, लिख लो यहां, तुम लिख लो, तुम्हें फील आता है ना लिखने से, सर नोट्स अच्छे लगते हैं। केस टू, और पिछले वाले में केस वन, पीछे जाके मैं कर सकता नहीं, आप लिख लो। केस वन क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। पर हम नहीं चाहते आप दिमाग में ऐसा कुछ डालो, दिमाग में आप सिर्फ कंसेप्ट डालो, दिमाग में सिर्फ कंसेप्ट, अपनी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करो। दिमाग इस एग्जाम में सोच रहे हैं कौन सा केस आ गया, सोचना ही नहीं। आओ देखो, मान लो एक यहाँ पे भी क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास ये खूबसूरत सा कॉनकेव मिरर है, इस प्यारे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट इस बार ऐसे चल रहा, आय हाय हाय, क्या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस नया आ गया भाई। पैरेलल का तो फॉर्मूला क्लियर हो गया अपने, आपको क्या लगाना है, वी आई माइनस वी ओ इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई सी यू स्क्वायर, वी ओ माइनस वी आई माइनस वी एम। देखो पैरेलल में क्या, अलोंग में क्या लगाना है, छी अलोंग में क्या लगाना है, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और वी ओ माइनस वी एम। जब एक्सिस पे ही चले तो ये फॉर्मूला लगा डाला लाइक झिंगा लगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वी एम जीरो दिखेगा आपको, तो एग्जाम में या किताब में दिया रहता है वो ये दिया रहता है, वी आई इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ, ऐसा दिया रहता है, या किताब में ऐसा भी देता है डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, समझ रहे हो। डी वी बाई डी टी क्या है, इमेज की वेलोसिटी, डी यू बाई डी टी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और सारी वेलोसिटी कहाँ है, अलोंग द एक्सिस। अब ये नया केस आ गया, अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये डिस्टेंस मान लो हमें दे रखा है, सपोज कर ले डिस्टेंस हमारा 30 सेंटीमीटर, और ये ऊपर मूव कर रहा है मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। हमसे वही कहा है सवाल में ये, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो क्या ये फॉर्मूला यहां काम करेगा, पता नहीं क्या पता, कर जाए रटो नहीं सोचो, आओ सोचते, मुझे एक बात बताना, सोचना स्टार्ट कर दो। हाँ स्टार्ट कर दिया सर, मुझे एक बात बताना, यहां पे u चेंज होगा कि नहीं, ये सोचो हर बार, ये सोचो u चेंज होगा कि नहीं। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30 माइनस 30, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर भागेगा क्या ये चेंज होगा, नहीं, यानी यहां पे u कांस्टेंट है। अच्छा u कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही है भाई। v किस पे डिपेंड करता है, v का फॉर्मूला क्या है, uf अपॉन u माइनस f, u भी कांस्टेंट है। देखो ना जैसे जैसे ऊपर भागेगा ये u थोड़ी ना चेंज होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, और f भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट है यानी v भी सवाल में कांस्टेंट रहेगा, अभी निकाल लेंगे v, पर कांस्टेंट रहेगा पूरे सवाल में। अच्छा अगर u कांस्टेंट v कांस्टेंट, तो बच्चों मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ बच्चों, अगर u कांस्टेंट है तो du by dt तो जीरो होगा भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होना भी चाहिए, ऑब्जेक्ट की कोई स्पीड ही नहीं है x एक्सिस पे, इसका मतलब इस केस में ये तो जीरो है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस, और भाई v कांस्टेंट है तो बच्चों मेरे प्यारे dv by dt भी जीरो होगा। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस ये भी जीरो है, यानी ये तो केस है ही नहीं इस बार, इस बार कुछ अलग है। तो सर इमेज की कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, सोचो अच्छा क्या हो रहा है। सवाल ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहा है,
क्या चीज चेंज हो रही है? एक तो ये फॉर्मूला होता था 1/f, 1/v, 1/u, एक फॉर्मूला और था मैग्निफिकेशन वाला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। ध्यान से देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो हाइट ऑफ इमेज भी चेंज होगी। भाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। कोई यहां चूहा का क्या है उसको ये नहीं पता, ये क्या होता है, ये तो पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। अगर बच्चों ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, तो सर इससे क्या होगा, करके बताते हैं। एक हम फॉर्मूला बनाते हैं फिर बताते हैं, ठीक है? चलते हो इसको मिटा दें, इससे कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दो। यानी x एक्सिस के अलावा कोई कहानी नहीं है, जो भी है y के अलावा। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट धीमे धीमे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती जा रही है। एक काम करते हैं, यहां पे फॉर्मूला लिखो ये वाला, एच आई बराबर एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। यहां से हम बोल सकते हैं एच आई इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इंटू एच ओ। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट देखो पहले हाइट कितनी है, जीरो, फिर हाइट थोड़ी बढ़ेगी, एक सेकंड बाद ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेकंड के बाद 4 सेंटीमीटर। भाई हर सेकंड में 2-2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, टाइम के साथ चेंज हो गई। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां आएगा dhi by dt इज इक्वल्स टू, भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, u कांस्टेंट, ये कहां चेंज हो रहा, ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन में बाहर रखते हैं, ये चेंज हो रहा है, तो dho by dt, ये मिला नया फॉर्मूला, यहां लिख रहे हैं इसको, देखो ध्यान से सवाल बन जाएगा, कांसेप्ट से होना चाहिए। dhi by dt is equals to minus v by u into dho by dt. Now you have to understand that what is this dhi by dt? What is this dhi by dt? What is this dho by dt? बच्चों dho by dt मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट की स्पीड है y एक्सिस पे, dho by dt की ऑब्जेक्ट की हाइट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही, और हाइट कहां से लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से टाइम के साथ वो कैसे ऊपर जा रहा, यानी दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस ई बाई यू। ये बना नया फॉर्मूला। ये कब लगाओगे? जब परपेंडिकुलर चल रहा हो। कुछ ध्यान मत रखो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो। अगर यू चेंज होगा तो वी चेंज होगा, करने का तरीका सिखाया, और अगर एच ओ चेंज होगा तो एच आई चेंज होगा, करने का तरीका आ जाएगा धीमे धीमे, सवाल करेंगे अभी, अभी बढ़िया बढ़िया सवाल कर लेंगे, सब हलवा लगेगा। पहले मेरी बात पकड़ो, क्या आपको यहां तक कहानी समझ में आई? मैंने कहा यू कॉन्स्टेंट वी कॉन्स्टेंट, आप एग्री किए, मैंने कहा ना यू चेंज हो रहा तो ना वी चेंज होगा, मतलब ऐसे ऐसे कोई मूवमेंट नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं मैच का। ऑब्जेक्ट धीमे धीमे ऊपर जाएगा तो इमेज हो सकता है धीमे धीमे नीचे जाए, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, क्या पता ऊपर जाए इमेज भी, तो एच ओ चेंज होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ती जा रही तो हाइट ऑफ इमेज भी चेंज होगी, फॉर्मूले समझ में आ रहा है। मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, मैंने कहा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट बाहर डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट। मैंने कहा कि dhi by dt क्या है, कि इमेज की हाइट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, यानी इमेज y एक्सिस में, हाइट किस एक्सिस पे है, तेज तो नहीं हो रहा, हाइट y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किस एक्सिस में है, ये y एक्सिस में, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी किस एक्सिस में, y। x का फॉर्मूला क्लियर है, vi minus vm is equals to minus v square by u square vo minus mu, और ये y का फॉर्मूला हो गया, खत्म। फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट ये कहानी, तरीका जो बताया, क्योंकि तरीका नहीं पकड़ोगे तो अगले दो केस नहीं बनेंगे, क्लियर है? छापो के लिए सवाल सॉल्व करते हैं, छाप लीजिए इसको, पॉज करके नोट करिए, कर लिया, पॉज करके नोट कर लें। यहां पे ये सब जीरो होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो, वेलोसिटी ऑफ इमेज जीरो, बट किस डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन की बच्चों, एक्स की, वाई में है वेलोसिटी, एक्स की।
यानी ऑब्जेक्ट को x में चलाओ तो इमेज x में चलती है, ऑब्जेक्ट को y में चलाओ तो इमेज y में चलती है, बट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अभी केसेस आएंगे नए नए बेटा, हर सवाल में अपने से यही पूछना कि u चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है, h o चेंज हो रहा है, बस ये सवाल करते जाओगे खुद से क्वेश्चन बनता जाएगा। तो हमें ये निकालनी है इस बार क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या क्या चाहिए, वी यू वगैरह चाहिए, तो वी यू वगैरह निकालना पड़ेगा। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, माइनस 20, रीजन साफ साफ कॉनकेव है तो काम खत्म। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस 30 हो जाएगा, भाई रेज ऐसे जाएंगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे मेजर होगा। वी निकालना पड़ेगा इमेज डिस्टेंस, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू कितना है माइनस 30, एफ कितना है माइनस 20, यू माइनस एफ ये प्लस हो जाएगा ना, यू माइनस माइनस प्लस, तो v आ रहा है मेरा माइनस माइनस प्लस 3 दुना 600 माइनस 30 प्लस 20 बोलो 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 माइनस 10 जीरो जीरो कट गया माइनस 60 सेंटीमीटर। कहीं यहां बन रही है, यहां कहीं है कि नहीं, पीछे की तरफ बन रही किस पे 60 सेंटीमीटर पे, यहां कहीं बन रही मेरे ख्याल से। आओ अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, velocity of image is equals to minus v by u into velocity of object, पर ये सब velocities du by dt, dv by dt से नहीं आए, ये सब height of image, height of object, y direction वाली velocities। so velocity of image is equals to minus v की value कितनी है minus 60, यहाँ देखो square नहीं है ध्यान रखना, u की value कितनी है minus 30, v o कितना है velocity of object कहाँ गई है, क्या लोगे plus 2 लेंगे भाई, फिर से इसको क्या मान लो पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो प्लस 2 है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 3 2 जा 6, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 6 2 माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। और फिर से मैं बोल देता हूं ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वाह तो किस में आई माइनस में, जो मैं बोल रहा था इमेज माइनस में, मतलब इमेज किधर चल रही है नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड में, पूरा डायग्राम क्लियर, इमेज का डिस्टेंस 60 और इमेज चल रही नीचे ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो ये हो गया y का केस और आपने पढ़ लिया x का केस, दोनों को मिलाएंगे अब हम, क्या बोलती पब्लिक मिलाएंगे अपन, मिलाएंगे मिटा रहे इसको, सही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो सब समझ में आ रहा होगा। hi by ho is equals to minus v by u, hi is equals to minus v by u into ho, differentiate कर दिया, ये क्या है इमेज की वेलोसिटी y एक्सिस पे, ये क्या है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी y एक्सिस, खत्म। hi by ho ये याद रखो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, hi by ho is equals to minus v by u, ये याद रखो। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, एचओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उधर जाके डीएचओ बाय डीटी, इधर डीएचआई बाय डीटी, छाप लिया अगले सवाल पे आए। चल तो अगला सवाल है हमारा केस नंबर 3 पे, केस नंबर 3। हाँ मैं जानता हूं आप चाह रहे थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, पर वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हम बहुत क्वेश्चन लेंगे, आप किताब उठाना सवाल लगाना स्टार्ट कर देना इसके, केस नंबर 3, या आप चाहो तो हमारी वेबसाइट www.physicswallaalakhpandey.com पर जाकर इसके असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बोर्ड आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस लेवल के हैं, और उन असाइनमेंट्स में हमने बच्चों आंसर्स भी दे रखे हैं और सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, हमारी वेबसाइट सबसे बेस्ट है। नो दिस इज द वे टू प्रमोट, अच्छा नहीं हां, तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल with, अरे with वही ना बार बार जिसकी बात हो रही है, at some angle with principal axis, पर आगे बढ़ने से पहले हम जरा पुराना रिवाइज कर लें कि अगर x में चलेगी कहानी along principal axis, अगर along principal axis की बात करें तो फॉर्मूला बना है vi minus vo is equal, sorry vi minus vm is equals to minus v square by u square into vo minus vm। अगर y एक्सिस के अलोंग कहानी चलेगी तो y एक्सिस के अलोंग में हमारा फॉर्मूला बना था vy vi is equals to minus v by u into vo, ये मैंने भी रटा हुआ नहीं है,
क्यों नहीं रटा है? क्योंकि ये चेंज होता है सिचुएशन के साथ, ये हमेशा सेम रहेगा, सही रहेगा, ये कभी गलत नहीं होता, ये वाला चेंज होता है सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आ जाओ अब, क्या ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल, ना ही अलोंग एक्सिस चलेगा ना ही परपेंडिकुलर एक्सिस, वाई अलोंग मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो ना ही एक्सिस के परपेंडिकुलर ना ही एक्सिस के अलोंग, लिख लो इसको, इतने मैंने मेहनत से लिखा है तुम्हारे लिए। अब हम लेंगे जो सवाल, सवाल नंबर चार, बस इसके बाद एक और सवाल है, केस खत्म सारे हो जाएंगे। सवाल नंबर चार बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत, तुम्हारे प्यार से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे चल रहा है, आय हाय हाय, एट सम एंगल, ठीक है, फोकल लेंथ वही 20 सेंटीमीटर, वही उठा लेते हैं कॉनकेव, तो कॉन्सेप्ट समझना है वैल्यू से क्या, और ये डिस्टेंस फिर से 30 ले लो ताकि इमेज डिस्टेंस फिर से 60 आ जाए, पिछली बार 60 आया था ना, सेम वही केस ले लिया ताकि 20 60 आ जाए। ये इधर चला मान लो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, सवाल वही है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब ना ये पैरेलल चल रहा है ना ये परपेंडिकुलर, कई लोग बढ़िया दिमाग लगाएंगे, बढ़िया सॉल्व करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पॉज करके इसको ट्राई करो, देखते हैं आप सही करते हो कि नहीं। ये फॉर्मूले लिखे, थोड़ा बहुत तो सबको समझ में आ गया कि इसको सर एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई के अलोंग, इसे कंपोनेंट निकालने में किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ये वाला ट्रायंगल बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो 3-4 साल का वो भी जानता होगा। ये 37 डिग्री होता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, यानी इसका इधर कॉम्पोनेंट आएगा 4 और इधर कॉम्पोनेंट आएगा 3, इधर आएगा 4 इधर आएगा 3। कर लिया ट्राय हम करें, चलो आपको लग रहा है आपने सही किया है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा, पहले ही बता दें, गलती समझ में आ जाएगी आपको, ये नहीं यूज होगा, वो वाला सही किया होगा जितने लोगों ने किया। देखो पहले आप क्या करोगे, पहले आप बोलोगे इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, हम बोलेंगे ठीक है सही बात है, इसका एक कंपोनेंट आप इधर निकालोगे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक कंपोनेंट आप इधर निकालोगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो गया, ये पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस पे लगा दो फॉर्मूला, कोई दिक्कत काम बन जाएगा, पहले VUF कर लिया जाए क्लियर, सवाल में जरूरत पड़ेगी, पहले VUF क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। F की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, गिविंग द रीजन इट इज अ कॉनकेव मिरर, U की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट से ऐसे जाएगी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का पीछे है। V की वैल्यू फिर से -60 आएगी, UF अपॉन U माइनस F, -30 -20 -30 +20 ये हो गया कितना +600, ये हो जाएगा -10, तो देखो -60। चलो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब आपको पता है इमेज के पास भी यहाँ दो वेलोसिटी होंगी, एक एक्स में होगी एक वाई में होगी, बड़ा आसान है समझना क्योंकि आपको दिख रहा है। देखो अपने आप से सवाल पूछो, खुद से सवाल पूछो, क्या यू चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लगातार कम हो रहा है, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ जा रहा है, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो रहा है, तो यू चेंज हो रहा है तो वी भी चेंज होगा, यू भी चेंज होगा मतलब एक्स के अलोंग वेलोसिटी आएगी, दिख ही रही है, लगा दो फॉर्मूला vi - vom = -v² / u² vo - vm, यहां velocity of mirror 0 है, velocity of image is equals to minus, v की value बोलो -60 का square, और u की value -30 का square है, minus मतलब नहीं square हो जा रहा है, छोड़ सो, तो 60 का square upon 30 का square, vo minus vm object की speed, बच्चों ये किस direction में देख रहे हो आप, x axis का, तो object की कौन सी speed लोगे, 5, 4 की 3 प्लस की माइनस, प्लस इस तरफ को क्या मान लो पॉजिटिव, इधर देखो इसको मान लेते हैं पॉजिटिव और इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, यहां एक्स वाई दोनों में खेल होना है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड प्लस 4, तो वी आई इज इक्वल टू ये 30 का स्क्वायर और ये 60 का स्क्वायर, एक काम करें इस दोनों के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस माइनस कैंसिल मार देंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो ये कटा 3 × 2 = 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 = 16 -16 सेंटीमीटर पर सेकंड, सबने निकाल लिया था, बधाई हो एकदम सही है, सभी ने निकाल लिया होगा इतना, तो
सबको पता है ये चार आ गया, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी ऑफ इमेजिन ये किस डायरेक्शन की आ गई, एक्स डायरेक्शन की, माइनस 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक पहली बात तो इमेज बन कहां रही है, माइनस 60 पे कहीं यहां, और किधर चल रही है, माइनस 16 मतलब पीछे की तरफ चल रही है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। एक और इन डायग्राम बनाते हैं ना थोड़ा सुंदर। एक ये बन रही इमेज मान लो कितने डिस्टेंस पे, 7 सेंटीमीटर, कैसा है माइनस, तो पीछे की तरफ बन रही है, और इमेज की स्पीड x में कितनी आई, माइनस 16, यानी x में पीछे की तरफ इधर भाग रही 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सबने सही किया है, बात इसकी है ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, यहां तक तो आपने सही किया। अब मुझे बताओ क्या एच ओ भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, तो हमने देखा एच ओ चेंज कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा हमें पता है एच ओ चेंज हो रहा है तो एच आई भी चेंज होगा, यानी वाई डायरेक्शन की भी कहानी है यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा अभी बताते हैं, जरा ये लिखो एच आई बटे एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। यहां से अब एक बात बताओ, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ वी और यू भी तो चेंज हो रहे हैं। इस केस में वी और यू क्या थे, कॉन्स्टेंट। मैंने ये तो तब डिराइव किया था जब ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे ही सीधा सीधा चल रहा था, यहां तो v और u भी चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला ये फॉर्मूला आपका कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इसको याद करने से अच्छा ये पकड़ो, ये मुझे भी याद है, ये पकड़ लो, ये तो हमेशा सही, x वाला हमेशा सही, vi - vm = -v² / u² vo - v, चलो इसको बैठाते, ये कंडीशनल है क्योंकि इस बार v और u भी तो चेंज हो रहा। अरे भाई v u नहीं चेंज हो रहा होता तो ये सब कैसे आता, देखो ना u धीमे धीमे कम होगा, v धीमे धीमे पीछे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा इमेज पीछे दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इमेज डिस्टेंस, तो ये भी तो चेंज हो रहा, वैसे काम नहीं चलेगा इस बार डिफरेंशिएट करके कि आपने dhi / dt = - मतलब ये गलत हो जाएगा इस बार लिखना, क्या dhi / dt = - v / u dho / dt, ये गलत हो गया, ये कांस्टेंट नहीं है, इस बार इसको बड़े अच्छे से डिफरेंशिएट करना होगा, कैसे करना होगा सिखा रहे हैं हम आपको, कैसे करना होगा हम आपको बताते हैं। इसको इधर ले आओ, एच आई इंटू यू इज इक्वल टू माइनस वी इंटू एच ओ, होगा इसी फॉर्मूले से, कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी, एच आई इंटू यू माइनस वी इंटू एच ओ। अब देखो ये यूवी यूवी मेथड, ये वाला यूवी नहीं, डिफरेंशिएशन वाला यूवी है, इधर भी डिफरेंशिएट करो उधर भी डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, कहां करूं मैं इसको, मिटा दूं क्या, चाप हो गया, छाप लिया, छाप ले इसको, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन खास है नहीं, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जो कि हम अब तक समझ चुके हैं कितनी 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 है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फोकल लेंथ माइनस 20 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 30 है, और इमेज डिस्टेंस माइनस 60 है। अच्छा इसको डिफरेंशिएट क्या करो, प्रोडक्ट रूल से, तो इधर डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, पहले एच आई को बाहर लिया डी यू बाई डी टी प्लस यू को बाहर लो डी एच आई बाई डी टी, बोलो सही बोल रहे हैं, ऐसी करते हैं ना, प्रोडक्ट रूल इज इक्वल्स टू माइनस वी को बाहर ले लो डी एच ओ बाई डी टी, फिर माइनस माइनस दोनों ही ना इस बार, माइनस एच ओ को बाहर ले लो डी वी बाई डी टी, बोलो बढ़िया। अब लगाओ सारा दिमाग, सर बड़ा लंबा हो गया, अब क्या करें, इसका करने का तरीका यही है, ये सवाल आएगा तो इंटीजर टाइप सवाल वाल में आएगा, मतलब बढ़िया सवाल आएगा, ये हल्का फुल्का सवाल नहीं आएगा, तो बढ़िया नंबर के लिए आएगा, इसमें यहाँ पे लॉजिक लगेगी, यहाँ पे जो बच्चा खटाक से सोचा कि इसको यहाँ से कर दें कि हम वाई वर्गी, तो पहले तो पढ़ के नहीं आए बच्चे, जो पढ़ के आया बहुत अच्छा, वो सोचेगा ये लगा देते हैं माइनस वी बाई यू इंटू वी ओ, गया वो भी डूब गया, क्योंकि इस बार वाई वाला फॉर्मूला वैलिड ही नहीं, क्योंकि वी यू भी चेंज हो रहा था, इस तरह से करना पड़ेगा आराम से, चलो सब होगा। हाइट ऑफ इमेज मुझे बताओ, हाइट ऑफ इमेज, 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 जीरो, इमेज तो एक्सिस पे है जिस इंस्टेंट, इसी इंस्टेंट की तो बात कर रहे हैं जब कहानी शुरू हुई, ये नहीं कहा हमसे कि दो सेकंड बाद क्या हुआ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब जिस टाइम की कहानी दिखाई है इसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, इस इंस्टेंस पे इमेज कहां पे है, एक्सिस पे, तो हाइट ऑफ इमेज जीरो होने से ये पूरा टर्म जीरो हो गया, क्या बात, प्लस यू, यू कितना है माइनस 30 जीरो, प्लस माइनस 30 dhi by dt
ये क्या है, यही तो चाहिए हमको, यही तो चाहिए। phi by dt velocity of image in y direction is equals to minus v, v कितना है minus 60, dho by dt ये क्या है, dho by dt height of dho by dt क्या चीज है बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, velocity of object in y direction यही तो है, कितनी है 3, तो dho by dt तो अपने पास है कितना है 3 plus 3 ऊपर की तरफ, बोलो सही dho by dt क्या है velocity of object in y, कैसे height of object चेंज हो रही, तो यहां पर रख दो 3, बहुत बढ़िया। फिर यहां पे आओ minus ho into dv by dt, भैया ho भी तो 0 है, object axis पे ही तो है, धीमे धीमे object axis के ऊपर जा रहा है मैं मान रहा हूं, पर अभी कहानी इसी instant की पूछी है, अगर इसी में कह देता 3 सेकंड बाद बताओ तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, 3 सेकंड के बाद height of object कुछ होती है, height of image कुछ होती है, नहीं इन्होंने इसी instant की बात की है, इस instant में object जितनी ऊपर है लिख दो कहां axis पे, तो ये term भी 0, सवाल बड़ा आसान हो गया। minus 30 into dhi by dt क्या हो गया, velocity of image किस direction में, y में, is equals to minus minus plus 60 into 3, यहां से velocity of image 60 into 3 बटे minus 3, 0 0 3 3 काटो minus 6 centimeter per second, यानी जो y direction में image की speed है वो minus 6 है, यानी इमेज नीचे की तरफ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी है तो आप वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो, द नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -16 i कैप -6 j कैप, बोलो सही, 16 है माइनस i की तरफ और 6 है माइनस j की तरफ। अब आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लेता है एग्जाम में, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो क्या हो जाएगा, √16 का स्क्वायर प्लस 6, मजा आया इस सवाल में ना, अगले सवाल में फिर मजा आएगा क्योंकि वहां पे ना आपको लॉजिकल थिंकिंग बनानी है अपनी। चलिए आगे बढ़े, ये मेंस लेवल में नहीं आएगा, ये आएगा अपने एडवांस लेवल में पूछेगा सवाल, क्लियर है, कोई डाउट, धीमे धीमे चले, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो एक एक्स में स्पीड एक वाई में, तो एक्स के लिए बड़ा सिंपल था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा तो v चेंज होगा, मैंने कहा ये फार्मूला लगा दो x के लिए तो क्लियर होता है, निकल आई ये किस डायरेक्शन में x में, तो हमने कहा ठीक है, हमने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया कहां आया था 60 पे, वो तो 1/f 1/v 1/u से, या b uf / u - f से, मैंने कहा 16 पीछे ठीक है भैया माइनस 16 पीछे ठीक है। फिर हमने कहा यार y में इस बार फार्मूला नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि इस बार v और u भी चेंज हो रहे हैं, पिछली बार नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा ऐसे करके इसको डिफरेंशिएट करो, ये तरीका है, इसके बाद फायदा ये हुआ दो टर्म तो जीरो ही हो गए, छाप लो, बढ़िया सवाल है, एक और सवाल लेते हैं अभी, मजा आ जाएगा आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका। तो केस नंबर फोर्थ, केस नंबर फोर्थ, ये नवी डेप्थ वेलोसिटी ऑफ इमेज तो निकालनी है, केस नंबर फोर्थ, मजा आ रहा है, यस सर बहुत मजा, जी सर, केस नंबर फोर्थ आ जाओ भाई, केस नंबर फोर्थ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अभी तक तुमने आलसी हो ना पहले केस पे जाके लिखा नहीं है, लिख लो पहला वाला केस, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, इस बार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिख लो, वैसे तो आप समझ गए कॉन्सेप्ट का खेल है। आखिरी सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 5, केस नंबर 4 डिस्कस होने जा रहा है, यही मिरर ले लेते हैं यार, कुछ वैल्यू सेम रहेंगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, वही कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ वही अपनी पुरानी 20 सेंटीमीटर, वही अपना ऑब्जेक्ट, कितनी दूर, वही 30 सेंटीमीटर, नहीं यहां नहीं, इस बार ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, हाय हाय हाय, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है ही नहीं इस बार, अभी तक तीनों केस में प्रिंसिपल एक्सिस पे था, ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो ऑब्जेक्ट यहां है, वाह अब ऐसे मूव कर रहा, मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस बार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 नहीं है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, कर ले जाओगे, हलवा है तुम्हारे लिए सवाल, एकदम हलवा है, और क्या पूछेगा इसमें,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 30, फोकल लेंथ हो गई, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ट्राई, आराम से सोचो कि x में वेलोसिटी होगी, y में होगी, सोचो खुद सोचो, u चेंज होगा, v चेंज होगा, h i चेंज होगा, h o चेंज होगा, ये सवाल खुद से करो यार, तभी मजा आएगा आज के लेक्चर का। पॉज करो 10 मिनट 15 मिनट, बंद कर दो लेक्चर और सॉल्व करो, तब आओ इसको देखने, होना चाहिए तुमसे खुद से। चलिए हम करें, ओके लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले वो एफ वी यू का कहानी खत्म करते हैं ना, पहले निकाल के रख लेते हैं उसको। तो भाई साहब एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस छी हाँ कौन के तो एफ की वैल्यू माइनस 30। भाई ये हर बार हम सेम इसलिए ले रहे हैं ताकि बार बार की नई कैलकुलेशन ना हो, यहाँ साइड में लिख के रख लेते हैं। एफ कितना है, माइनस 30 सेंटीमीटर, यू कितना, छी माइनस 20 सेंटीमीटर, यू कितना है माइनस 30 सेंटीमीटर, और वी कितना हो जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर। आप चाहो तो निकाल सकते हो, वी इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ से यही रहेगा, यानी इमेज बनेगी तो यही कहीं 60 सेंटीमीटर, अब यही बनेगी कि ऊपर बनेगी कि नीचे बनेगी, हाइट ऑफ इमेज जीरो आएगी कि नहीं आएगी ये सोचना पड़ेगा इस बार। पिछली बार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, जीरो, हाइट ऑफ इमेज भी जीरो आ गई थी, पिछली बार एक्सिस कहानी थी ना, तो एक्सिस से ऊपर है। अच्छा तो सोचा जाएगा, तो आओ पहले सोचते हैं कि एक्स में वेलोसिटी है कि नहीं है, सब सोचते यार कोई टेंशन नहीं हो। चलो यू के बारे में बताओ मुझे, क्या यू चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा यू चेंज होगा, यू चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा, यू भी चेंज होगा मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो ले लेते हैं क्या लिखेंगे, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम, खेल का नाम इसका, तो वी आई नहीं पता, वी एम जीरो माइनस वी स्क्वायर यानी माइनस 60, माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, 60 का स्क्वायर अपॉन 30 का होल स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों का स्क्वायर करना है, और वी ओ कितना है बोलो, इस डायरेक्शन क्या मान लोगे प्लस, इसको प्लस मान लो और इसको प्लस मान लो, तो इस तरफ प्लस 2 और मिरर की स्पीड 0, यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको मिल गई x वाली, ये 0 0 कट गया, 3 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो तो x में तो मूव कर ही रहा है माइनस 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से, कहां बन रही है इमेज, यहां बन रही, यहां बन रही, यहां बन रही, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा। देखो जब ऑब्जेक्ट, सुनो, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। देखो ये फॉर्मूला देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, यहां से हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिल पे हाथ रखो ऑल इज वेल। हाँ आप सुनो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर जीरो है यानी कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो हाइट ऑफ इमेज भी जीरो होगी, पर यहां तो ऐसा नहीं हुआ, यहां तो ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर है, वेलोसिटी तो पता चल गई तुमको x में, पर यहां बना है, यहां बना है, यहां बना है, आओ ये निकाल लेते हैं, लेट अस फाइंड दिस आउट, यहां पे आ जाओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u, हाइट ऑफ इमेज आपको नहीं पता इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस v की वैल्यू कितनी है माइनस 60, u की वैल्यू कितनी है माइनस 30, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है प्लस 2, तो यहां पे 2 ले लिया, माइनस माइनस बन गया 0 0 3 2 6 2 2 4 माइनस 4 सेंटीमीटर, स्पीड नहीं है सेकंड लिख दिया, यानी ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, कहां है 4 सेंटीमीटर नीचे है, सही कर रहे हैं, हां यहां ही नहीं ऑब्जेक्ट, कहां पे है 4 सेंटीमीटर नीचे, यहां ऑब्जेक्ट इमेज इमेज सॉरी हाइट ऑफ इमेज यहां पे कितनी नीचे है 4 सेंटीमीटर नीचे इमेज बन रही, और एक स्पीड भी मिल गई आपको x में -8, तो पीछे की तरफ चल रही 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से। बोर्ड का ये पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, जी हाँ बहुत ही साफ दिखाई पड़ रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब बात आई क्या x में भी कोई वेलोसिटी होगी, सोचना स्टार्ट करो भाई, सोचना स्टार्ट करो, क्या HO चेंज हो रहा है, क्या एच ओ चेंज हो रहा है, फिर से मैं पूछता हूं क्या एच ओ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, एच ओ यहां पे कांस्टेंट है, तो वाई में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, भाई एच ओ कांस्टेंट है एच आई कांस्टेंट ऐसा नहीं है, फंसा रहे थे आपको हम, एच ओ तो चेंज नहीं हो रहा, देखो दिमाग में यही आता है आपके, आपने सोचा होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे चेंज नहीं हो रही,
दो सेंटीमीटर ही रहेगी। बहुत दिमाग लगाया आपने कि दो सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है और ये हमेशा दो सेंटीमीटर ऊपर, तो एच ओ चेंज ही नहीं होगा, तो डी एच ओ बाई डी टी जीरो होगा। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला है एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, क्या एच आई सिर्फ एच ओ पर डिपेंड करता है? फिर से बोलता हूँ, क्या एच आई सिर्फ एच ओ पर डिपेंड करता है? वी यू पर भी तो डिपेंड करता है, और वी यू तो चेंज हो रहे हैं, तो वी यू के चेंज होने से एच आई भी चेंज होगा। सोचा ही नहीं आप, सोचा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट है तो ये ऐसा नहीं होता। बच्चा यही गलती करता है एग्जाम में, उसे लगता है ऐसा होगा क्योंकि ये ऐसे चल रहा है तो ये भी ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, या ऐसे जाएगा, नहीं फील आया यार मैंने माना है जो चेंज नहीं हो रहा। पर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये तो चेंज हो रहा है, इनके चेंज होने से एच आई चेंज नहीं होगा क्या? और एच आई चेंज हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है इमेज के पास। वही काम कर दो फिर से, एच आई इंटू यू माइनस वी इंटू एच ओ, दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट, डी एच आई बाई डी टी इंटू यू प्लस यू इंटू सॉरी प्लस एच आई इंटू डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी एच ओ बाई डी टी इंटू वी माइनस dv by dt into ho, बोलो सही है, product rule लगाया, एक बार इसको बाहर लिया u को, इसको differentiate किया, फिर इसको differentiate करके इसको बाहर वही सब किया, ठीक है, इसको differentiate किया, इसको बाहर किया, फिर इसको differentiate किया, उसको बाहर, समझ गया ना product rule। अब आओ value रखते जाओ, dhi by dt क्या है, velocity of image है in y direction, तो ये तो अभी मिलेगी नहीं, u कितना है, u कितना है minus 30, अच्छा hi कितना है, height of image, अब देखो। अब आप कहोगे सर हाइट ऑफ इमेज हम क्या बताएं, हम तो चेंज हो रही है, मैंने कहा ना सवाल जिस इंस्टेंट पे है उस इंस्टेंट पे बताओ, उस इंस्टेंट पे हाइट ऑफ इमेज इज माइनस 4, तो रख दो यहां पे माइनस 4। du by dt, व्हाट इज du by dt, व्हाट इज du by dt, ऑब्जेक्ट की स्पीड इन x डायरेक्शन, शायद आपके पास होगी, शायद आपके पास होगी 2, ये तो है ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये किस तरह किस डायरेक्शन खेल है, du by dt यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव, तो बहुत सी चीजें आ रही, मुझे पता है, तो ये सब सवाल बढ़िया सवाल है। dho by dt, dho by dt, dho by dt, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, dho by dt जीरो, यस जीरो, देखो ना dho by dt तो जीरो आने वाला है, क्यों, क्योंकि ho तो कांस्टेंट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां चेंज हो रही, मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ho कांस्टेंट है, dho by dt आ रहा है जीरो, चलो एक टर्म तो जीरो हुआ कम से कम। फिर माइनस dv by dt, dv by dt क्या है, dv by dt ये रही, कैसे v चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कितना है माइनस 8, यहां पे माइनस 8, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2, तो यहां पे आ जाएगा 2। अब यहां से vi into माइनस 30 ये हो जाएगा माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, vi into minus 30, 16 8 हो गया 24, vi is equals to 24 बटे minus 30, किससे कटेगा 6 से, 6 4 is 24, 6 5 is 30, minus 4 बटे 5, और ये किस direction में है, y direction में है, तो एक speed और मिली आपको y direction की, मैं ये line में डाल दूँ, इसको तो याद हो गया, कितनी माइनस 4 बटे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, आपसे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यू कैन से, अब इसको मिटा देता हूं मैं, हां तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यू कैन से इज माइनस 8 आई कैप माइनस 4 बाय 5 जी कैप, माइनस का लिखो इस डायरेक्शन में, कोई आपसे वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड पूछ ले तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 4 बटे 5। तो यही सारे कॉन्सेप्ट थे, आप इस फॉर्मूले को याद रखो कि यहां से आपको y डायरेक्शन, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी मिलेगी इमेज की, और इससे क्या मिलेगा x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी मिलेगी इमेज की। क्लियर है, चलिए यहीं पे लेक्चर करते हैं समाप्त, इसके बढ़िया लगा हो सवाल, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।